कोरोना के बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। शिवराज सरकार के सभी विभाग इसको गति देने में लगे हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि उनकी विभाग की प्राथमिकता लोगों को रोजगार मुहैया कराना है, क्योंकि कोरोना के चलते ग्रामीण और मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। विभिन्न योजनाओं में केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर उनका कहना है कि केंद्र का पूरा सहयोग विभाग को मिल रहा है। मंत्री सिसोदिया ने निजवल से कई मुद्दों पर चर्चा की। एमपी रोड मैप पर शिवराज सिंह चौहान तेजी के साथ काम कर रहे हैं और यही कारण है, चाहे अलग अलग विभागों का प्रेजेंटेशन हो या फिर समीक्षा बैठक, हमारे साथ में है महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। विभाग की क्या कुछ कवायद एमपी के रोड मैप को लेकर, क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग है पंचायत और ग्रामीण विकास। महेंद्र सिंह जी, किस तरह से एमपी का जो रोड मैप है जो डिजाइन किया है सरकार ने, विभाग किस तरह से कवायद है, क्या नवाचार है उसके लिए? बहुत सारे नवाचार हैं और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर, जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना है उस ओर हम इसको ले जा रहे हैं। और विशेष रूप से हम लोगों ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें विकास के साथ साथ आजीविका को लेकर ज्यादा हमारा उसमें एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन है कि किस तरीके से हमारे स्व सहायता समूह को, किसानों को किस तरीके से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। और स्वच्छता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे काम चल रहा है और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से उसमें सफलता भी मिलेगी। कोरोना काल रहा, खासतौर पर अगर जो वर्ग आपके विभाग में आता है, कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ी उसके लिए एक समस्या रही है, किस तरह से विभाग इन चीजों को, इन चुनौतियों को किस तरह से हैंडल कर रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि आजीविका के लिए हम लोग ज्यादा चिंतित हैं कि किस तरीके से हमारे पंचायतों में सरपंचों के माध्यम से और किसानों के हित में, स्व सहायता समूह के हित में हम कार्य कर सकें। और वो जल्दी से जल्दी जब मूर्त रूप पे आएगा तो हम आपको डिटेल के साथ प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि आपका विभाग फंडिंग जो है, अगर केंद्र से तमाम ऐसी योजना है जो केंद्र की मदद से चलती है, और बीच में बात आती है कि जिस हिसाब से एक फंड रिलीज होना चाहिए केंद्र से, क्या स्थिति है इसको लेकर, बेहतर हुई है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ है? नहीं, बहुत बेहतर है। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग रहता है और जो मैचिंग ग्रांट की योजना है उसमें हमको देना पड़ता है, तब केंद्र सरकार देती है। तो चल रहा है, प्रधानमंत्री सड़क में हम नंबर वन है, मनरेगा में हम नंबर वन है, हाउसिंग में भी हम नंबर तीन पे चल रहे हैं। तो सभी योजनाओं में मध्य प्रदेश जो है कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, भारी बारिश के चलते जिस तरह से वहां पर चीजें अस्त व्यस्त हुई हैं, क्या इसको लेकर तमाम सर्वे हुए, राहत राशि को भी, क्या कुछ प्रेजेंट में क्या कुछ है? निश्चित रूप से जैसे ही बाढ़ से प्रभावित हुए हैं गांव, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जिनके घर मकान टूटे थे उनका आकलन कराया, 6-6 हजार रूपये खातों में पहुंचे, किसी को 7 हजार, जिसका जितना नुकसान हुआ उसकी पहली किस्त में ये व्यवस्था की गई है। और अभी 2 दिन से जो है हमारे जो फसलें चौपट हुई हैं उसका सर्वे का काम भी गांव-गांव में चल रहा है। आखिर में खजाने की बहुत बात आती है, कांग्रेस शासन से आती रही है, और चूंकि अभी एमपी के रोड मैप पर तेजी के साथ काम होना है, क्या खजाने की स्थिति सपोर्टेबल है कि नहीं, सारे विभाग तेजी से काम कर रहे हैं? देखिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान बहुत चमत्कारिक मुख्यमंत्री हैं और उनके अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज देखी है मैंने, वो देखी है कि उनके अंदर काम करने की ललक रहती है। पैसे की भले ही कमी है, निश्चित रूप से कोविड के समय से काफी नुकसान आर्थिक हालातों में रहा है, किंतु शिवराज जी वो व्यक्तित्व है जो पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं। तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमको सफलता प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जिस तरह से कह रहे हैं कि एमपी के रोड मैप पर जो मंशा मुख्यमंत्री की, उसी मंशा के अनुसार उनका विभाग काम कर रहा है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ 1 भोपाल।